मॉर्निंग क्लास में चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे जीव जंतुओं की निराली दुनिया। ये हम हमारे एग्जाम से पहले वाली क्लास होती ना उसमें हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हमने क्या किया था, जो हमने विभिन्न जीव जंतु जैसे कुत्ता है और बिल्ली है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मक्खी मच्छर और चींटियाँ हैं, चमगादड़ है, इनके बारे में मछली है, इनके बारे में हमने पढ़ा कि जो विभिन्न जीव जंतु होते हैं इनके शरीर में कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जो इनको दूसरे जंतुओं से विशेष बनाती है। वो विशेषता भी हमने इस पार्ट में पढ़ ली थी। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है तो क्वेश्चन आंसर्स में एक पहला जो प्रश्न था वो तालिका था, वो मैंने आपको करवा दिया था, समझा देती हूँ आपको और फोटो क्लिक करके वापस सेंड कर दूंगी ताकि आपको जिन बच्चों ने नहीं किया था वो कर लें। इसमें एक तालिका थी जिसमें कुछ जानवरों के नाम लिखे हुए थे जैसे कि चिड़िया, मछली, मोर, छिपकली, तितली, मच्छर, कुत्ता। इनके भोजन प्राप्त करने का यानी कि किस तरह से ये जानवर भोजन खाते हैं उसका तरीका था। जैसे चिड़िया का हमको लिखना था चुप कर, मछली जो है वो निकल कर, मोर चुप कर, छिपकली निकल कर, तितली चूस कर अपना भोजन प्राप्त करती है, मच्छर भी चूस कर, कुत्ता चबा कर, और सब तीसरा कॉलम बनाना था कि चिड़िया जो है उसमें बता दें जानवर उड़ते हैं, चलते हैं या तैरते हैं। तो चिड़िया का हम लिखते हैं उड़ती है, मछली तैरती है, मोर उड़ता है, छिपकली चलती है, तितली उड़ती है, मच्छर उड़ता है और कुत्ता चलता है। ये जानवरों के नाम हो गए सेकंड कॉलम में इनके भोजन करने का तरीका, और तीसरा कॉलम बना करके उसमें ये उड़ते चलते हैं या तैरते हैं वो बताना। तो ये कॉलम करवा चुके थे, वापस से अगर आपने नहीं किए तो कर लेना, आज मैं आपको सेंड कर दूँगी। आगे इसमें प्रश्न है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँ, बाद में मैं इसकी कॉपी फिर से फोटो खींच के आपको दे दूँगी, अभी आप सुन लीजिए ध्यान से। इसमें क्या है, इसमें चार जो है जानवरों के चित्र दिए हैं, एक तो खरगोश का चित्र है। इन चित्रों को पहले तो पहचान के इनके नाम बताना है कि कौन सा जानवर है, फिर इन जानवरों की एक एक विशेषता बतानी है कि इनके अंदर क्या ऐसी विशेष चीज़ है जो दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती है। तो पहला जो विशेषता है, पहला तो जानवर है खरगोश। तो पहले तो आप क्या करना, अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 2 डाल के इसकी क्वेश्चन लिखना, फिर एक बॉक्स बना के आप इसमें खरगोश का चित्र बनाना। खरगोश का चित्र इजी है बनाना, आप खुद बनाओगे, उसके नीचे आप लिखोगे खरगोश, ठीक है। फिर आप इसकी विशेषता लिखोगे, विशेषता क्या है इसकी, इसकी विशेषता है खरगोश की खास बात क्या है, इसके पूरे शरीर पे कोमल फर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोमल फर यानी बाल पाए जाते हैं, और इसके दांत बहुत तेज और नुकीले होते हैं, इसके दांत बहुत तेज और नुकीले होते हैं, ये खास बात है। दूसरा फिर आप दूसरा जो है सेकंड नंबर पे हाथी है, तो एक बॉक्स बना करके बॉक्स में भी बनाओ तो हाथी का चित्र बनाओगे, नीचे उस जानवर का नाम लिखोगे हाथी, फिर उसकी खास बात बताओगे कि क्या इस खास बात होगी हाथी में, तो उसका लिखोगे आप हाथी इस धरती पे पाया जाने वाला सबसे विशाल जानवर है। हाथी क्या है, धरती पे हमारी जो धरती है इस पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा पशु, सबसे बड़ा जानवर है, जितने भी जानवर है उनमें से सबसे बड़ा ये जानवर है, और इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, ये अपने सूंड से सूंघता है, बहुत दूर से खतरे को पहचान लेता है, तो इसके सूंघने की क्षमता जो है शक्ति वो बहुत तेज होती है। फिर तीसरा जो है, तीसरा चित्र किसका है, तीसरा चित्र चिड़िया का है, तो आप नीचे लिखेंगे चित्र बनाएंगे चिड़िया का, नीचे लिखेंगे चिड़िया, और फिर इसकी खास बात क्या लिखेंगे, क्या होती है चिड़िया की खास बात, चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, बाकी जानवर नहीं उड़ सकते, चिड़िया की खास बात है कि वह आसमान में हवा में आसानी से उड़ पाती है अपने पंखों के द्वारा। चौथा जो चित्र है, फिर मछली का चित्र बनाओगे क्योंकि मछली है, फिर नीचे लिखोगे आप उसकी मछली, और उसकी खास बात क्या बताओगे कि मछली पानी में भी आसानी से रह सकती है, और किसी जानवर को हम पानी में डालेंगे तो वो नहीं रह पाएगा, लेकिन मछली की खास बात क्या है कि मछली पानी में आसानी
श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी, रानी चींटी, श्रमिक चींटी और आपकी तीसरी कौन सी है, सैनिक चींटी। उनका सामने काम लिखेंगे। रानी चींटी का काम अंडे देना होता है, श्रमिक चींटी का जो कार्य है वो अंडों की देखभाल करना और भोजन जुटाना, और तीसरा सैनिक चींटी है वो घर और अंडों की रक्षा करने का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने फोटो के अंदर सभी करेंगे, फोटो सेंड कर दूंगी तो आपको कवर मिल जाएगी। अब जो है हम पार्ट 9 भी आज शुरू कर देते हैं। ये तो आपका पार्ट 8 था, ठीक है, अब हम पार्ट 9 थोड़ा सा इसको शुरू कर देते हैं। इसमें है कहाँ कहाँ से पानी, चैप्टर का नाम है कहाँ कहाँ से पानी। चैप्टर में हम आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पानी जो है हमको क्यों जरूरत होती है। सबसे पहले तो पानी की आवश्यकता हमको क्यों होती है, पानी की आवश्यकता हमको, पशु पक्षियों को, जानवरों को, सभी को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जीवन पानी के बिना संभव नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। ये पानी जो हमको प्राप्त होता है ये कहाँ कहाँ से आता है, ये पानी हमारे घरों में नलों के पास आता है, और नल में कहाँ से आता है, नल में ये जो जल है वो नदियों से, झीलों से, तालाबों से या फिर जमीन के अंदर से हमारे घर के अंदर ये पानी आता है। और इस पानी को हम किस किस काम में लेते हैं, इस पानी को हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई के लिए, बहुत सारे कामों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो सबसे मुख्य स्रोत है जल का वो है बारिश। बारिश से हम वो पानी जो मिलता है वो पानी नदियों में, तालाबों में, झीलों में, जमीन के अंदर जो पानी होता है ये सारा पानी वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए वर्षा जो है वो पानी का मुख्य स्रोत है। इसके अंदर हम इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी की वर्षा जो होती है बारिश, उसके पानी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है ताकि वो पानी बहकर के नाली में नहीं चल जाए, उसको सेफ रखा जाता है बड़े बड़े टैंक बनाकर। तो ये जो तरीका है वर्षा के पानी को बचाने का इसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हम पानी को साफ करने के तरीके पढ़ेंगे कि जो पानी हम पीते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, उसको शुद्ध करने के लिए उबाला जाता है या फिर उसके अंदर केमिकल डाल दिए जाते हैं या फिर फिल्टर का उपयोग करके भी पानी को साफ किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में हम कलात्मक स्रोत पढ़ेंगे जल के, कि पहले के टाइम पे जल बचाने के लिए, पानी को सेफ रखने के लिए बावड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। राजस्थान जैसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे बावड़ियाँ बनाई जाती थी। बावड़ियाँ क्या होती है, जमीन चौकोर शेप जैसे कुआ होता है, गहरा सा जमीन को खोद के बनाया जाता है, ऐसे ही कुएं की तरह बावड़ी होती है लेकिन उसका जो आकार होता है वो चौकोर होता है। कुआ तो गोल होता है लेकिन बावड़ी कैसी होती है, चौकोर होती है। उसमें नीचे पानी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी से आप पानी से उतरा जाता है और फिर पानी लेकर के अपने घर में आते हैं। तो ये बावड़ी होती है। पहले के टाइम में कई राजा महाराजों ने इस बावड़ी